हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मखाना एंड मटर की एक बहुत ही अच्छी सब्ज़ी जो बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप सबके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालिए, और ये मैंने लिया है 1 से 1.5 कप के आसपास मखाने। अब इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, या आप कहिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो बस इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे कि थोड़े, इसको रेड नहीं करना है, बस इसको हम ऐसा करेंगे थोड़े करारे हो जाएं, सॉफ्ट ना रहें। तो उस हिसाब से हम इसको फ्राई करेंगे। और देखिए, मुझे लगता है कि अब ये हो चुके हैं और अब हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने पर क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। फिर इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा और रिफाइंड ऐड करेंगे, क्योंकि मम्मा खाना तो ऑलरेडी जितने भी रिफाइंड होते हैं वो एब्जॉर्व कर लेता है, तो ये हम रिफाइंड थोड़ा सा और ऐड करेंगे। और इसके बाद इसमें मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के अनियन को मैंने रफली काट लिया है, तो वो उसको ऐड करेंगे। और जो है हल्का सा उसको, बस हल्का सा रखें, सॉटे करना है। फिर उसके बाद इसी में हम जो है 2 बड़े साइज़ के टमाटर को भी रफली काट के डाल देंगे, और इसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक हमें इसमें फ्राई करना है। और इसमें हम अभी थोड़ा सा ये जब सॉफ्ट होने लगेगा, तो इसमें हम जो है ये डाल रहे अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये आप अब 1 स्पून के आसपास आप इसको डाल सकते हो। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे, अगर आपके पास काजू है तो काजू यूज़ कर सकते हैं, बस मेरे पास अभी फ़िलहाल तो है नहीं। तो मैं अभी इसमें डाल रही हूँ 15 से 20 मूंगफली के दाने, क्योंकि वो भी वही फ्लेवर दे देंगे जो आपको काजू जो देगा वो मूंगफली भी फ्लेवर दे सकता है, या कई कलर दे सकता है। तो बस मैं इसमें 10 से 15 ये मूंगफली के दाने मैंने इसमें डाले हैं। और जब ये थोड़ा सॉफ्ट होने लगेगा ये प्याज और टमाटर, तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून के आसपास आप इसमें यूज़ करिए, और इसको हल्का सा भून लीजिए। बस ये देखिए अब सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इस स्टेज पे इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इस प्लेट में इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे इसको हमें लाना है, क्योंकि हमें इसको मिक्सर ग्राइंड में करना है, ग्राइंड करना है। और फिर उसी सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, तो इसलिए हम इसमें आप मेरे ख्याल से 1 टेबल स्पून आप ऑयल डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत है। और इसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके डाला है, और इसे हम रेडिश होने तक या हल्का ब्राउनिश कलर भी जैसे आ जाते हैं प्याज पे, वैसे आप लाने पे इसको भूनिएगा। और इसके बाद इसमें हम एक बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची इसमें हम ऐड करेंगे, ये देखिए। और इसको हम जो है थोड़ा सा ब्राउनिश होने पे, ये देखिए अब ब्राउन हो चुका है। बस अब हम इस पे जो हमने वो रखा था प्याज टमाटर और जो हमने सब रखा था, इसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से अभी हमें भुनना है। और मेन यही चीज़ है कि हम मसाले को इस टाइम इस स्टेज पे इसको जितने अच्छे से भुनेंगे, हमारा जो भी हम चीज़ बनाते हैं, कोई भी सब्ज़ी या कोई भी ग्रेवी तभी अच्छी बनती है जब तक आप मसालों को अच्छे से भुने नहीं। और वैसे भी हम ये ऑलरेडी प्याज और टमाटर को पहले ही फ्राई कर चुके हैं, तो इतना वो उसमें वो नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा भुनना है। तो इसको भुनना तो है बट बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। तो अब हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्च डाल सकते हैं। तो बस मैं इसमें मैंने मिर्च डाला है, हल्दी ऐड किया है, और ये देखिए अब ये सॉफ्ट तो मसाले ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। तो मैं इसमें मटर यूज़ कर रही हूँ। मटर मैंने लिया है, अगर हमारे मैंने मखाना 1.5 कप यूज़ किया है, तो आपको मटर भी 1 कप यूज़ करना है।
तो बस मटर को इसमें डालेंगे, और मटर डालने के बाद हमें तुरंत थोड़ी देर बाद ही सॉल्ट इसमें डालना है, क्योंकि उससे क्या होगा ये जो आपके मटर हैं वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेंगे। तो बस हमें डालें, और इसके बाद इसमें आप डालिए 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, वो आप डालिए। और इसको अब हम थोड़े देर, क्योंकि मटर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो अब हम इसे थोड़ा सा ढक के इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, अब हम इसे ढकेंगे, ढक के अच्छे से इसको भूनेंगे, क्योंकि ढकने से कलर भी अच्छा आएगा और हमारे मटर भी बहुत जल्दी बन जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब ये देखिए, अब 5 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए कलर अब आने लगा है हमारे सब्जी में। और ये मसाला वैसे हमारा ऑलरेडी भुन चुका हुआ है, क्योंकि हमने प्याज टमाटर पहले ही भून लिया था, तो ये हमारा हो चुका है। अब हम इसमें जो है थोड़ी देर और वेट करेंगे ढक के, कि अच्छे से कलर और आने लगे, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास क्रीम है तो क्रीम यूज़ कर सकते हैं, और अगर क्रीम नहीं है तो फिर आप घर में, अगर आपके पास मलाई हो, कि फ्रेश मलाई, आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कसूरी मेथी, आप कसूरी मेथी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है 1.5 जो है टीस्पून मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड किया है। उसको अच्छे से हाथ से क्रश करके आप इसमें ऐड करिए अच्छे से, और फिर इसके बाद हम इसमें क्रीम यूज़ करेंगे। क्रीम मैंने एक्चुअली में बस जो है मलाई तो भी है, लेकिन बट मैंने इसमें क्रीम डाला है, तो मैं इसमें क्रीम ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस मैं 1 टेबल स्पून के आसपास मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी, ज़्यादा क्रीम नहीं यूज़ करूँगी। तो बस अब हम इसमें अभी देखिए क्रीम डालेंगे, बस का हल्का कलर जो है बिल्कुल जैसे बाहर रेस्टोरेंट में मिलता है वैसा कलर ले लेगा ये। तो बस अब हम इसमें, अब इस स्टेज पे हम इसमें मखाने को भी ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हमारे मखाने हो गए, अब इसको हम डालेंगे और डाल के एक बार मिला लेंगे। फिर इसे हम थोड़ी देर, इसको भी हम सॉफ्ट होने के लिए, क्योंकि मखाने हमारे ऑलरेडी हमने इसको भून के रखा है तो करारे हो चुके हैं, तो अब हम इसे थोड़ी देर, इसे भी ज़्यादा देर नहीं, 3 से 4 मिनट के आसपास हम इसे ढक के रखेंगे। और उसके बाद ये देखिए हमारे मखाने अब हो चुके हैं, ये 3 से 4 मिनट हो गया। अब आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, जितना आपको लगता है कि मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए, उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करिए। मुझे इससे ज़्यादा ग्रेवी पतली नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, तो बस मैं थोड़ा सा पानी ऐड किया, और देखिए हमारा मटर और मखान की सब्ज़ी हमारी तैयार हुई। देखिए कितनी जल्दी से, आराम से बनने वाली सब्ज़ी है, और यकीन मानिए आपकी सब्ज़ी को बहुत पसंद आएगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और अगर आपके घर अचानक आपके गेस्ट आ गए तो आप क्या बना सकते हैं, पनीर भी नहीं है तो बस आप ये बनाइए, क्योंकि मखाना हर घर में होता है, मटर भी सबके पास रहता है, तो प्लीज़ ये बनाइए, और इसको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।